हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोग्य सीपी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें भोजन कब और कैसे करना चाहिए। आज के समय में हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, जिसके कारण हम बीमार रहते हैं। इस वीडियो में हम अपने भोजन को कब और कैसे खाएं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के खान पान का विधान है। हमारे शरीर की प्रकृति भी अलग अलग होती है। किसी की प्रकृति वात होती है, किसी की पित्त प्रकृति की होती है और कोई कोई कफ प्रकृति वाले होते हैं। हमें हमेशा अल्पाहारी होना चाहिए, यानी कि हल्के भोजन का सेवन करना चाहिए। एक कहावत है, अल्पाहारी सदा सुखी। खाने के एक घंटे बाद पानी पीना चाहिए। सुबह दही, दोपहर को छाछ और रात को खाने के बाद दूध पीना चाहिए। दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु नहीं होनी चाहिए। दूध के साथ नमक वाली चीज़ खाने से स्किन प्रॉब्लम होती है। अब विरुद्ध आहार भी थोड़ा बता देते हैं। रात्रि को दही छाछ विरुद्ध आहार है। आजकल सबकी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, लोगों की इम्यूनिटी वीक है। इस इम्यूनिटी के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं? विरुद्ध आहार से स्किन डिजीज होती है और हमारी इम्यूनिटी भी वीक होती है, और विरुद्ध आहार से हमारे दोष विकृत होते हैं। दोष हमारे तीन होते हैं, वात, पित्त और कफ। हमारे तीन दोष होते हैं, इनकी विकृति होती है अगर हम लोग उल्टी पुल्टी चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे कि रात को दही का सेवन करते हैं या हम दूध के साथ नमक का सेवन करते हैं। किसी के वात विकृति हो जाती है, किसी की पित्त विकृति हो जाती है, किसी की कफ विकृति हो जाती है, और किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के वात, पित्त और कफ तीनों विकृत हो जाते हैं या प्रकृत हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए रात को दही छाछ नहीं लेना चाहिए। खाने में सबसे पहले हमें सलाद खाना चाहिए, उसके बाद भोजन करना चाहिए और सबसे अंतिम में मीठे चीज़ों का सेवन करना चाहिए, यानी कि गुरुत्व, जो भारीपन होता है भोजन में, सबसे पहले लास्ट में खाना चाहिए उसे, जैसे कि खीर। जितना भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं उन्हें कभी उबालकर नहीं खाना चाहिए। अंकुरित अन्न का भी सेवन हमेशा करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। जानवरों को ही देखो, वो कभी हरे पत्तेदार चीज़ों को कभी उबालकर नहीं खाते। दोस्तों, वाघ भट्ट जी ने कहा है कि हम अपनी पाचन शक्ति को अच्छी रखेंगे तभी हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। तो वो कहते हैं कि भोजनांते विषमवारी, इसका अर्थ है भोजन के अंत में पानी जहर के समान है। जो लोग समशीतोष्ण क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए ये कहा गया है कि भोजनांते विषमवारी, अर्थात भोजन के अंत में हमें पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं वाघ भट्ट जी, उसका भी व्याख्यान उन्होंने दिया है। वो ये कहते हैं कि जैसे ही हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारी पाचन प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में आग प्रदीप्त हो जाती है। जैसे कि रसोई घर में अग्नि जलती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी अग्नि जलती है भोजन को पचाने के लिए। मान लीजिए हमारे रसोई घर में दूध है और चावल भी है, लेकिन अग्नि नहीं है, तो खीर हम नहीं बना सकते। उसी प्रकार अगर हमारे शरीर में हमने खाना खा लिया लेकिन हमारी अग्नि प्रदीप्त नहीं हुई, तो हमारा भोजन अच्छे से पचेगा नहीं। हमारे शरीर में खाने को भी अग्नि ही पचाती है। पेट में अग्नि है तो भोजन ठीक से पकेगा, नहीं है तो नहीं पकेगा। और अगर हमारे भोजन अच्छे ढंग से नहीं पचेगा तो हमारे शरीर में 108 प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए वाघ भट्ट जी कहते हैं खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात, वाघ भट्ट जी कहते हैं खाना खाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो हमारी अग्नि को बढ़ाए, जो हमारे अग्नि को प्रदीप्त करे। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी अग्नि को प्रदीप्त करती हैं? उन्होंने ये कहा है कि हम खाना खाने के बाद मट्ठे का सेवन कर सकते हैं, खाना खाने के एक घंटे बाद रात्रि को दूध का सेवन कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ उन्होंने बताया कि हम किसी भी फल का रस का सेवन कर सकते हैं जो खट्टे फल होते हैं, जो खट्टे फलों का रस होता है, जैसे कि संतरे का रस, मौसम्मी का रस, अंगूर का रस हो गया, टमाटर का रस, इनका सेवन कर सकते हैं। नींबू के रस का सेवन कर सकते हैं और आंवले के रस का सेवन कर सकते हैं। अनानास का रस है, उसका सेवन कर सकते हैं। यानी कि जो खट्टे रस हैं ये अग्नि को बढ़ाते हैं, उसका सेवन हमें खाना खाने के बाद करना चाहिए। अब हमें ये बात भी ध्यान रखना है कि हमें कब दूध पीना है, कब मट्ठे का सेवन करना है और कब फलों के रस का सेवन करना है। तो सुबह के खाने के बाद हमें रस का सेवन करना है, जो खट्टे फलों का रस है उनका सेवन करना है। दोपहर के भोजन के बाद
हमें जो है मट्ठा का सेवन करना है और रात्रि के भोजन के बाद हमें भोजन करने के 1 घंटे बाद दूध का सेवन करना है। इन नियमों का पालन अगर हम दोस्तों करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधित बातों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।